तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा अभी इंस्टाग्राम पर रील का एक ट्रेंड चल रहा है, तो हमें कैसे इसको बनाना है। तो सबसे पहले आपको काइन मास्टर डाउनलोड कर लेना है और आपको एक वीडियो बना लेना है जिसके अंदर आपको GTA वाला इफेक्ट ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक वीडियो है हमारे पास में, और इस वीडियो के लास्ट में यहाँ पर आपको जौन सा पोज GTA इफेक्ट में बनाना है उसके लिए आपको यहाँ पर उसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पर लेफ्ट में हैगा कैप्चर सेव फोटो, तो यहाँ पर उस फोटो का स्क्रीनशॉट आ जाएगा वीडियो में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं उस वीडियो के फोटो का स्क्रीनशॉट आ चुका है। और अब हम पिक्सआर्ट की तरफ चलते हैं, और पिक्सआर्ट के अंदर इजीली आपको जो है यहाँ पर स्किप कर देना है, और फिर यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक कर एडिट फोटो पर जाना है, और यहाँ पर आपको जो स्क्रीनशॉट हमने लिया है उसको यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे की साइड में इफेक्ट है, यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर आपको सबसे लेफ्ट हैंड पर स्केच मिलेगा। स्केच पर क्लिक करके फर्स्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ पर स्केच को ओके कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से इसको सही से सेट कर लेना है, और यहाँ पर इसकी आउटलाइन ब्लैक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आप इसको इरेज कर दीजिए, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिप्स आइज पर जो है अनवांटेड रूप से जो है स्ट्रोक आ चुका है। तो यहाँ पर लाइंस को यहाँ पर इरेज कर देते हैं ताकि फेस क्लियर हो जाए, और यहाँ पर हमने जो है इसकी लाइंस को इरेज कर दिया है, यहाँ से भी कर देते हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पर ऊपर की साइड में ओके कर देना है, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओके हो गया है। फिर हमें वापस से इफ़ेक्ट में जाना है, और यहाँ पर आपको जाना है मैजिक के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अनडेड यहाँ पर एक इफ़ेक्ट है, इसको ओके कर देना है। और यहाँ पर आपको यहाँ तीन सर्कल है, यहाँ पर क्लिक करके इसकी जो है बढ़ाना है यहाँ पर इसको, और यहाँ पर आपके फ़ोटो के हिसाब से आप इसको बढ़ा लीजिए। यहाँ पर मैंने इसको अपने फ़ोटो के हिसाब से बढ़ा लिया है। इसके बाद फिर आपको इफ़ेक्ट में जाना है, और फिर मैजिक के अंदर ही थोड़ी सी आगे जा कर के यहाँ पर हाईलाइट मिलेगा, हाईलाइट पर जा कर के फिर से आपको ओके करना है। फिर हाईलाइट पर आप यहाँ पर तीन सर्कल है इस पर क्लिक कीजिए, फिर इसको अपने फ़ोटो के मुताबिक बढ़ा लीजिए। यहाँ पर हम हमारे केस में 85 के समथिंग ले लेते हैं। फिर आपको डबल से इफ़ेक्ट में जाना है, और फिर यहाँ पर आपको आगे की साइड में एक और इफ़ेक्ट मिलेगा यहाँ पे, और आगे की साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं नियो पॉप नाम से, इसको ओके कर लेना है। इसको ओके करने के बाद यहाँ पर फिर हमें थ्री सर्कल पर क्लिक करना है, फिर इसको यहाँ पर फ़ोटो के मुताबिक बढ़ा लेना है। यहाँ पर हम इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा 88 के समथिंग, और ओके कर देते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर टूल्स में जाना है, और यहाँ पर एडजस्ट में जाकर आपके फ़ोटो के मुताबिक कंट्रास्ट, क्लियरिटी और सेचुरेशन को बढ़ा देना है अगर ज़रूरत हो तो, वरना कोई बात नहीं, आप ऐसे भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम सेचुरेशन को भी थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर हाईलाइट को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करके देख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो सेचुरेशन है ज़्यादा हो गया है इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। इस हिसाब से आप भी अपने फ़ोटो को बना लेना, ओके कर देते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर जो है फ़ोटो तैयार हो चुका है, यहाँ पर हम ड्रॉ में जाते हैं, यहाँ पर ड्रॉ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर ऊपर थ्री डॉट पर है, यहाँ पर सेव इमेज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर फ़ोटो इमेज सेव हो चुकी है। इसके बाद में हमें GTA का जो बैकग्राउंड है वो डाउनलोड कर लेना है आपको गूगल से। मैं बाय द वे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसे ओपन कर लेंगे, ये भी पिक्सआर्ट में ही। उसके बाद हम इसे क्रॉप कर लेंगे 3 पॉइंट के अंदर, जो है यहाँ पर इंस्टाग्राम वाला जो साइज़ है मोबाइल का, रेशो है रिजोल्यूशन का, उसको इस हिसाब से क्रॉप कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम ऐड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमने जो फ़ोटो अभी बनाया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसको ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, और इंक्रीज़ करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की साइड में इरेज का जो आइकॉन है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर पर्सन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो गायब हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ शेडोज़ यहाँ पर बन रही हैं, तो उन शेडोज़ को हम मैन्युअली हमारे हाथ से क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे से इसको जो है क्लियर कर लेना है, कोई शेडो यहाँ पर दिखाई ना दे, वरना यह पूरा फ़ोटो बेकार हो जाएगा, इतनी मेहनत हमारी जो लगी है इसके अंदर। तो आपको सिंपली जो है यहाँ पर इरेज कर लेना है बैकग्राउंड सही से, पूरा कहीं पर भी ज़रा सी भी शेडो नहीं दिखना चाहिए। इसके बाद में ओके कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो GTA वाला लुक है वो आ चुका है। अब हमारे को इसके अंदर इसका साइज़ वगैरह सही करने के बाद में
यहाँ पर हम GTA की जो नेम का जो PNG है उसको हमने डाउनलोड कर लिया गूगल से। इसकी भी मैं लिंक दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसको ओके करके यहाँ पर हम इसको भी सेट कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आप देख चुके हैं, यहाँ पर हमने इसको भी सेट कर लिया है। अब ये फ़ोटो हमारा रेडी हो चुका है, हम इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम वापस ड्रॉ इमेज में जाकर सेव कर लेते हैं। अब हमें वापस से चलना है काइन मास्टर की तरफ, जहाँ पर हमने इस फ़ोटो को लिया था। हम चलते हैं काइन मास्टर की तरफ। यहाँ पर हम काइन मास्टर की तरफ आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ काइन मास्टर में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारी वीडियो है वो यहाँ पर रुकी है। यहाँ पर हमने इसको रोका था, हमें यहाँ मीडिया में जाना है और हमने जो फ़ोटो एडिट किया है उसको यहाँ पर ओके करके ले आना है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ़ोटो आने के बाद में यहाँ पर जो हमारा ऑडियो है अभी नहीं है, हम ऑडियो भी लाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो एक लुक है इंस्टाग्राम की रील में जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो लुक बन चुका है। इसके बाद में आपको यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वीडियो के ऊपर आपको जो है क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की साइड में जो हमारा ऑडियो है, ये यहाँ पर हम इस ऑडियो को ले आते हैं। इस वीडियो में ऑडियो हैगा, तो यहाँ से हम इसको नीचे की साइड में आके एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेते हैं। उसके बाद वीडियो को डिलीट मार देते हैं। अब हमें क्या करना है, हमारा जो वीडियो का साइज़ है वो ऑडियो के मुताबिक इंक्रीज़ कर लेना है। ऑडियो बिल्कुल सही से लगना चाहिए, ताकि बिल्कुल करेक्ट टाइम पर जो है हमारा GTA वाला जो लुक है वो आए। उसके बाद में आपको यहाँ पर ओके कर देना है, और ओके करने के बाद में यहाँ पर बीच में एक आपको ऑप्शन मिलेगा, इसको इनेबल कर देना है और यहाँ से फिर ओके कर देना है। यहाँ पर आप इसको प्ले करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर GTA वाला वीडियो तैयार हो चुका है।